किसी ने क्या खूब कहा है, धरा नहीं होती तो सब धरा रह जाता। पृथ्वी हमारी नहीं, हम पृथ्वी के हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार और खूब सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद, इसलिए क्योंकि आप मेरे सारे वीडियो को देखते भी हैं और कमेंट भी करते हैं। आइए हम अपनी धरा यानी जीवनदायिनी पृथ्वी का एक और नया रूप देखते हैं, एक और रहस्यमय गुण के बारे में जानते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम एक सवाल से करते हैं जो कि सिविल सर्विस एग्जाम के इंटरव्यू में पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे सामने है स्टूडेंट, अगर एक बार मैग्नेट को हवा में लटका दिया जाए तो कौन सा पोल नॉर्थ होगा और कौन सा पोल साउथ होगा। काफी सीधा साधा क्वेश्चन है और हो सकता है आज तक काफी सारे टीचरों ने इसका जवाब अपने अपने तरीके से आपको बताया है। आज स्टूडेंट काफी डिटेल में हम इसके बारे में समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद इस क्वेश्चन के आते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी और आप बहुत तसल्ली से सामने वाले को संतुष्ट या सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी जीवनदायिनी धरती माँ अपने आप में एक चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करती है। सवाल यही है, व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट इज अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेट एक मटेरियल या ऑब्जेक्ट है जो कि अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, एन ऑब्जेक्ट विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड अट्रैक्टिंग अनलाइक पोल्स एंड रिपेलिंग लाइक पोल्स। मींस मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट कि चुंबक में अगर अनलाइक पोल्स होंगे, विपरीत नेचर के पोल होंगे, तो उसमें अट्रैक्शन होगा। यानी जब वो विपरीत पोल एक दूसरे के पास आएंगे तो अट्रैक्ट होंगे, और सिमिलरली जब सेम पोल एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, विकर्षण करेंगे। अब स्टूडेंट हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की बात करेंगे, क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जानने के बाद जो हमारा सवाल था हमें काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी जानने के लिए एक छोटा सा टेस्ट किया गया स्टूडेंट। एक बकेट में बहुत सारे लोहे के बुरादे रखे गए और उस लोहे के बुरादे फिलिंग्स में एक बार मैग्नेट को एक एक करके डीप किया गया। पहले नॉर्थ पोल को डीप किया गया और बाद में साउथ पोल को डीप किया गया। डीप करने के बाद क्या दिखा स्टूडेंट कि जितने भी लोहे के बुरादे थे उसका मैक्सिमम जो अट्रैक्शन था वो इस मैग्नेट बार मैग्नेट के एंड साइड पे था, जिसको हम मैग्नेटिक पोल्स के नाम से जानते हैं। और यही मैग्नेटिक पोल किसी भी मैग्नेट के अट्रैक्शन या रिपल्शन या मैग्नेटिक फोर्स का कारक होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट उसके जो एंड साइड्स होते हैं उनको हम मैग्नेटिक पोल्स के नाम से जानते हैं, और एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल को नॉर्मली हम एन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और साउथ पोल को हम एस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए अब हम अपने सवाल कर लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि हमारा सवाल था, एक बार मैग्नेट को अगर हवा में लटका दे तो कौन सा पोल नॉर्थ होगा और कौन सा पोल साउथ होगा। जैसे एक मैग्नेट को जब आप हवा में लटकाएंगे तो कैसे डिटरमाइन करेंगे कौन सा पोल नॉर्थ हुआ और कौन सा पोल साउथ हुआ। तो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम ढूंढते हैं। वैसे मैं पूरी उम्मीद के साथ बोल सकता हूँ कि आपके टीचर ने जरूर आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझाया होगा, लेकिन मैं यहाँ इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट के दिमाग में। प्लस अगर आप किसी रेफरेंस बुक को फॉलो करेंगे या फिर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो स्वाभाविक है आपको काफी कंफ्यूजिंग आंसर मिलेंगे। तो आइए स्टूडेंट आपके सारे कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो के थ्रू दूर करता हूँ। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले स्टूडेंट एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट और मैं डिस्कस करना चाहता हूं। जब एक लार्ज मैग्नेट के इंटरनल डायपोल मोमेंट को हम समझेंगे, अगर कोई मैग्नेट है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल जब फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाता है और वो मैग्नेट बनता है, तो उसके इंटरनल डायपोल्स का अलाइनमेंट कैसे होता है। मीन्स एक बड़े मैग्नेट के अंदर सारे नॉर्थ पोल एक लेफ्ट साइड में है और सारे साउथ पोल राइट साइड में है। आप सब जानते हैं कि एक बड़ा मैग्नेट बहुत सारे छोटे डायपोल्स और छोटे मैग्नेट के मिलने से बना हुआ है। इन सभी का जो नॉर्थ पोल है वो लेफ्ट साइड में और सभी का जो साउथ पोल है स्टूडेंट वो राइट साइड में है। तो जो ओवरऑल डायपोल मोमेंट होगा स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट में नॉर्थ पोल होगा और राइट में साउथ पोल होगा। मींस इस बिगर मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल का अलाइनमेंट एक तरफ है, बिगर मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ स्मॉलर मैग्नेट यानी उसके डायपोल का नॉर्थ अलाइन होगा और बिगर मैग्नेट के साउथ के पोल की तरफ उस स्मॉल मैग्नेट का साउथ अलाइन होगा। सेम इसी कंसेप्ट को स्टूडेंट इस वीडियो में हम समझेंगे अपने क्वेश्चन के लिए। हम सब जानते हैं कि अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है और सबसे बड़ा मैग्नेट है, यानी जो बिगर मैग्नेट है उस बिगर मैग्नेट के अंदर अगर हमने एक मैग्नेट को रखा तो क्या होगा स्टूडेंट, तो इस बिगर मैग्नेट के अंदर जो स्मॉलर मैग्नेट है यानी अगर इस मैग्नेट को हम हवा में फ्रीली सस्पेंड करें तो इसका पोल का अलाइनमेंट सर सेम वैसा ही होगा जैसे एक बड़े मैग्नेट के अंदर छोटे मैग्नेट के डायपोल का होता है। मीन्स
तो जिस मैग्नेट को हमने हवा में फ्रीली सस्पेंड किया है स्टूडेंट, उस मैग्नेट का जो सिरा अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ होगा उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, और उस मैग्नेट का जो सिरा अर्थ के साउथ पोल की तरफ होगा उसको हम साउथ पोल बोलेंगे। शर्त यही है, अगर वो मैग्नेट जिसको हमने हवा में फ्रीली सस्पेंड किया है वो बिगर मैग्नेट यानी अर्थ के मैग्नेटिक रीजन में हो तो। स्टूडेंट ये तो इस क्वेश्चन का पार्ट वन हो गया। अगर दूसरा सिचुएशन हम ले जिसमें हमने मैग्नेट को अर्थ के मैग्नेटिक रीजन से बाहर रखा हुआ है, जैसा हम सब जानते हैं अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है, और अगर किसी मैग्नेट को इसके मैग्नेटिक रीजन से बाहर हम एयर में हवा में फ्रीली सस्पेंड करें तब क्या होगा, इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं। स्टूडेंट आप सब जानते हैं कि अगर दो मैग्नेट एक दूसरे के पास में है और दोनों के बीच में पोल अपोजिट नेचर के हैं तो अपोजिट पोल्स में हमेशा अट्रैक्शन होता है, मीन्स ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक रीजन से बाहर है, और जब ये अर्थ के मैग्नेटिक रीजन से बाहर है तो सेम उसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा जैसे दो सेपरेट मैग्नेट काम करते हैं। मीन्स अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ इस मैग्नेट का साउथ पोल होगा और अर्थ के साउथ पोल की तरफ इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। तो आइए स्टूडेंट इसके बाद मैग्नेट के एक दो प्रॉपर्टीज के और बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे मैग्नेट का प्रॉपर्टी कहता है कि अनलाइक पोल्स के बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। जैसे ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा यानी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली लाइक पोल्स के बीच में मैग्नेटिक रिपल्शन होता है यानी नॉर्थ नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ साउथ पोल को रिपेल करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में होते हैं यानी एक मैग्नेट में मिनिमम दो पोल होंगे। चाहे आप इस मैग्नेट के हजारों टुकड़े क्यों ना कर दें, इस मैग्नेट के अंदर जो सबसे छोटा डायपोल होगा वो भी अपने अंदर नॉर्थ और साउथ पोल की प्रॉपर्टी डेवलप करेगा। इस मैग्नेट के अंदर जो सबसे छोटा डायपोल होगा वो भी अपने अंदर नॉर्थ और साउथ पोल की प्रॉपर्टी डेवलप करेगा। यानी एक मैग्नेट को अगर हम तोड़ते हैं तो जो दो मैग्नेट बनेंगे उन दो मैग्नेट में भी पेयर ऑफ पोल होंगे यानी नॉर्थ और साउथ ऑटोमेटिकली और साउथ और नॉर्थ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। और कैसे डेवलप होगा स्टूडेंट, जैसे लेफ्ट में नॉर्थ था राइट में साउथ था बिगर मैग्नेट में, तो उसके बीच में हमेशा अपोजिट नेचर के पोल्स बनेंगे क्योंकि अपोजिट नेचर के पोल्स में अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के लिए मैग्नेटिकली लॉक थे। इस तरीके से स्टूडेंट हमने आज अपने वीडियो में काफी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए। मैंने आपको ये भी समझाया कि मैग्नेट क्यों जरूरी है और सबसे ब्यूटीफुल हमारा अर्थ एक मैग्नेट है और वो मैग्नेट किस तरीके से काम करता है। उस मैग्नेट के उस अर्थ के मैग्नेटिक रीजन के अंदर एक मटेरियल एक मैग्नेटिक मटेरियल कैसे अपने आप को मैग्नेटाइज करता है और कैसे उसमें नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप होते हैं। साथ में हमने ये भी समझा कि एक मैग्नेट को जब हम फ्रीली एयर में सस्पेंड करेंगे तो अगर अर्थ के मैग्नेटिक रीजन में है तो अर्थ के नॉर्थ की तरफ उसका नॉर्थ होगा और अर्थ के साउथ की तरफ उसका साउथ होगा। लेकिन अर्थ के अगर मैग्नेटिक रीजन के बाहर लेके चले जाएं स्पेस में लेके चले जाएं तो उस कंडीशन में अर्थ के मैग्नेटिक रीजन नॉर्थ की तरफ उस मैग्नेट का साउथ पोल होगा और साउथ की तरफ नॉर्थ होगा क्योंकि अपोजिट पोल में अट्रैक्शन और अपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन और सिमिलर पोल में रिपल्शन होता है। तो दैट ऑल इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू वेरी मच।